दोस्तों ये कोड स्टिचिंग पार्ट फोर है। इसका पार्ट थ्री, पार्ट टू, पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जाली लगाना, इसका अस्तर पूरे तरीके से तैयार करना अच्छे तरीके से बताया हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो ये देखिए, ये जो जाली है, ये जो है प्लूथिन रखने के बाद हल्की तिरछी हो गई थी, तो इसको प्रेस से हमको जो इसको फिक्स कर लिया। और ये रहा मेरा फाइनली कोट, जो है पल्ला तैयार है, पॉकेट बन चुका है इसका। इसको सेम इस साइड से जो है बराबर को रखना है, और ये देखिए जाली को भी बराबर रखना है एक जैसा जो है इसको अच्छे तरीके से। और ये देखिए, ये जितना है उससे जो है एक डेढ़ सूत ज़्यादा कट करते हैं, फिक्स कट ना करते, कभी भी फिक्स कट ना करें। और ये देखिए, इसके बाद जो है नीचे से हल्का इस तरीके से इसको शेप कर देंगे। ये देखिए, ये जो है शेप हो चुका है। अब जो है चलते हैं मशीन पे और इसको स्टिच करते हैं, सिलाई करके दिखाती है किस तरीके से जो है इसमें सेट होगा। तो ये देखिए, इसको जो है, ये जो आप वाइट कप ये पेस्टिंग देख रहे हो, तो सेम ऊपर से जिस तरीके से कटिंग किए हैं उसी तरीके से इसको बैठा लेना है। जो इसमें का चिपकने वाली पार्ट है उसको जो है कपड़े में रखना है। ये तैयार पेस्टिंग, चेस्ट पेस्टिंग्स का नाम है, चेस्ट नाम है कोट का, ये बिल्कुल तैयार ही आता है, तो आप रेडी ले सकते हो, यहाँ से पेस्टिंग लोगे, काफ़ी आसान होता है। और नहीं तो सेम इसी तरीके से आप चेस्ट पेस्टिंग मिलेगा आपको मीटर के हिसाब से, तो सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। इसको जो है हल्का नम देना है, किस तरीके से देना है ये देखिए, यानी कि इसमें जो है कभी भी सिकुड़ापन ना आए, इसलिए जो है हल्का उसको अंदर की साइड ज़्यादा रखते हैं, एक दो सूत, एक सूत। तो ये देखिए किस तरीके से अच्छे तरीके से बैठे हुआ लग रहा है। आप जो है इसको कट कर सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट, जितना कपड़ा है उसी के अनुसार इसको आप कट कर सकते हो। ऊपर से जो हमने सिलाई लगाया है 2 इंच 1.5 इंच छोड़ के लगाया है, क्योंकि शोल्डर के स्टिचिंग करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, इस साइड से भी आप कॉलर लगाते समय काट सकते हो या अभी भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है अब दोनों पल्ला को सेम इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो सेम इसको लगाते समय जो है इसी तरीके से लगाएं। मैं दोनों पार्ट को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये कमेंट ना करें कि सर पूरा स्टिचिंग करके सिखाएं, तो आपको मालूम चलेगा क्योंकि कितने लोग जो है नहीं समझ पाते हैं जो नए लोग होते हैं। तो ये देखिए, सेम इसको क्या करना है कि हल्का इसमें नम देना है। सेम फर्स्ट पार्ट में आप देखे होंगे इसको इस तरीके से, हल्का ज़्यादा नम नहीं देना है, नहीं तो वो बैठेगा ही नहीं। इसमें का सिकुड़ापन जो है मिटाने के लिए हल्का नम देते हैं कि ये प्रेस भी ना हो तो चेस्ट के पास हल्का चिकन रहे, बिल्कुल फ्रेश रहे। और इसलिए जो है चेस्ट का ही कमाल होता है कि वो कपड़े को फोल्ड नहीं होने देता, और जो स्ट्रैप बचे उसे कट कर लें। ये देखिए, ये तो फाइनल हो गया। अब तैयार करेंगे इसका अस्तर। ओके, तो देखिए दोनों पार्ट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं देखे हो तो आप देख लेना। और चलिए हम अस्तर को जो है अच्छे तरीके से रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि मेन रोल होता है अस्तर। जो उल्टा पार्ट है उसमें मक्का लगा लेता है कि आपसे कहीं उल्टा सीधा स्टिच ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो उल्टा साइड में जो है मक्का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, हर पार्ट में जो है हम मक्का लगा लिए हैं, और ये जो है फ्रंट का एक पल्ला है, और उसके बाद एक साइडर, ठीक है, एक फ्रंट पल्ला और एक साइडर को स्टिच करेंगे। ये देखिए साइडर है, जो कांखी के नीचे रहता है वो पल्ला है, तो इसको स्टिच करें अच्छे तरीके से। दोनों पल्ला को मैनेज करते हुए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए,
ज़्यादा अगर होगा भी तो हाफ इंच 2 सूत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। और इसको स्टिच कर दें, ये देखिए स्टिच हो गया ये फाइनल। और सेम इसी तरीके से जो है जो फ्रंट होता है जिसको हम लोग फेस के नाम से जानते हैं, जो नीपुल पलटता है ना उसी को फेस बोलते हैं, तो वह स्टिच करेंगे। तो ये स्टिच करते समय हल्का ध्यान रखें क्योंकि ये हल्का उरेब टाइप का रहता है, यानी कि राउंड टाइप का रहता है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से अगर मिला मिला कर स्टिच करोगे हल्का, अगर अस्तर नीचा है तो हल्का अस्तर को हल्का जो है ज़्यादा नहीं ढीलना है, इसे तो हल्का ढीलना ही सीना है, बट ज़्यादा सिलने पर ये जो है छोटा हो जाएगा क्योंकि दांती इसका ज़्यादा खींचता है, इसलिए अस्तर को ऊपर रखें या हल्का नाम देकर इस तरीके से स्टिच करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है स्टिच हो गया फाइनली, और दोनों पल्ला को जो है इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। और जो लेफ्ट साइड होता है बावा साइड, उस साइड एक पॉकेट बनती है, तो सेम जो है पूरा फुल प्रोसेस दिखाने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखो, यहाँ तक देख लिए हो तो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं, विजिट किए हैं फर्स्ट बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो इंड स्क्रीन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, और ये देखिए इस पार्ट को जो है नीचे की तरफ रख कर हम स्टिच कर रहे हैं, दोनों साइड का सिखा दे रहे हैं, दोनों साइड से स्टिच करना था किस तरीके से करना है। तो देखिए किस तरीके से हम बैठा कर स्टिच कर रहे हैं, और ये देखिए मेजरमेंट कभी भी नीचे रख के स्टिच करते, इसको मेजरमेंट करते रहें कि बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, ये देखिए ठीक है। और ये सेम जो है नहीं एक्यूरेट स्टिच हो गया, ये देखिए ओके। तो ये जो है दोनों साइड स्टिच हो गया। अब इसको जो है हल्का प्रेस कर लेते हैं, बैठा देते हैं प्रेस से। प्रेस से बैठाने के बाद जो है ये देखिए प्रेस से जो है अच्छे तरीके से हमने बैठा दिया, ज़्यादा हीट आयरन नहीं होना चाहिए नहीं तो अस्तर जो है जल जाता है ज़्यादा हीट होने पे। और ये देखिए ये जो है मेरा लेफ्ट साइड का है, और इसमें जो है लेफ़्ट साइड अगर नहीं बुझा है फर्स्ट बार अगर सीख रहे हो तो ये देखिए जिस तरीके से हमने इसको रखा है उसी तरीके से आप रखकर जो है बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये लेफ्ट साइड का है। ओके, और इसमें जो हम पॉकेट रखेंगे वो रखेंगे 5.5, और इसको जो है सेम वही नियम है जिस नियम से आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे पॉकेट बनाना, जो नियम उसमें सेम उसी तरीके से इसमें भी पॉकेट बना लेंगे। बट नहीं जानते तो फिर भी इस वीडियो को देखिए, आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें चाहो कि अस्तर का ही पॉकेट बनाना यानी कि सेम कलर ही दिखे तो इसमें पेस्टिंग चिपका ले आप, जिस तरीके से हमने पॉकेट बनाना बताया है वो पार्ट आप देख लेना, सेम इसी कलर का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोफेशनल और हो जाएगा। बट मुझे जो अच्छा लगता है उस टाइप का मैं बनाता हूँ। तो इसको आप पलट लेंगे, ये देखिए इसके बाद जो है ये स्टिच कर लेंगे, जो साइड कट है उसको स्टिच कर लेंगे अच्छे तरीके से बैठाकर। अब वीडियो को भगाकर ना देखें, नहीं तो कोई पार्ट अगर छूट जा रहा है तो आप लोग कमेंट करते हो कि सर मुझे यहाँ पे फोल्ड हो गया, यहाँ पे गलती हो गया, आप अच्छे तरीके से नहीं बताएं। तो वीडियो को भगाकर ना देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइम निकाल कर देखें। और ये देखिए इसको अच्छे तरीके से बैठा कर जो है इधर इस साइड से स्टिच कर देंगे, ये देखिए सेम दोनों पार्ट को जो है माउथ को जो है ज्वाइंट रखना है क्योंकि अस्तर जो है हल्का भड़कता है तो ये अपने से मैनेज नहीं कर पाता है। और दूसरे साइड भी इस साइड भी इस तरीके से स्टिच कर देंगे, देखिए इस साइड से जो है ऐसे बैठा कर। स्टिचिंग जब भी करें कोट की तो बिल्कुल शांतिपूर्वक माइंड को एकत्रित कर लें, बिल्कुल घबराएं नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता ही है। फर्स्ट बार आप स्टिच करोगे तो आपको 2-3 दिन का सामना करना पड़ेगा, तो इसे ना घबराएं, कभी भी फिनिशिंग वर्क करें। देखिए अब जो है इसमें आप जो अस्तर होती है उस पार्ट को जो है
इस तरीके से रखकर आप स्टिच कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है छोटा है तो मैं दोनों ऊपर नीचे दोनों से स्टिच करूँगा और जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा मैं इसको सिलाई कर दूँगा। ठीक है, उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से स्टिच हो रहा है सेम उसी तरीके से सिलाई करनी है। तो इसके पहले वाले पार्ट आप नहीं देखे हो, पार्ट वन पार्ट टू, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी देख लेना और इसका आने वाला पार्ट भी आप अच्छे तरीके से देखना ताकि आपको डिटेल्स पर डिटेल्स जानकारी हो पाए। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इस पॉकेट का जो हम लेंथ रखेंगे वो 6.5 रखेंगे, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भाई का भी हेल्प हो सके। तो ये देखिए कितना बेस्ट जो है बन चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आई होप इसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखें तो आप देख लें नॉलेज लेने के लिए। इसको हम पानी टेप के नाम से जानते हैं, इसको इस तरीके से रखना है, हल्का सा जो है इसमें धमक देना है ऊपर के साइड और इसको चिपका लेना है। ओके, ये देखिए चिपक चुका है। जितना फास्ट आप देख रहे हो चिपकना उतना फास्ट नहीं चिपकता है, तो समय लगता है। ठीक है, और ये देखिए आयरन जो है मेरा कम हीट है, नहीं तो ये जल जाएगा ज़्यादा हीट करने पर।